हेलो गाइस, आज हम हैं दिनेपुर पित्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में और हमारे साथ हैं सालवा जी। तो सालवा जी, आप बताइए, आप कहाँ से हो? हम हेलो गाइस, आई एम सालवा खान फ्रॉम मुंबई। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए भी, आपके वहाँ से लेके यहाँ तक आने के, आपके जर्नी के बारे में, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था, परेशानी नहीं हुई। मतलब रास्ते में जैसे कि वहाँ से मुंबई से हमें दिल्ली आना पड़ा, फिर दिल्ली से यहाँ पर कीव में, फिर कीव से देने पर आए। तो आप हमारे थ्रू आए हो, तो आपको मतलब कैसी वीज़ा की प्रोसेसिंग हुई आपकी? वीज़ा की प्रोसेसिंग सारी दिल्ली से हुई है। मतलब मोस्टली जो कॉन्टैक्ट वगैरह थे वो मेरे पेरेंट्स ने एजेंट के थ्रू आपके थ्रू कराए हैं। लाइक पासपोर्ट वगैरह जो भी है वो मुंबई से हम लोग ने स्पीड पोस्ट से भेज दिया था और दिल्ली से स्टार्ट प्रोसेस में। ओके, तो आप मतलब ऑन टाइम यहाँ पहुँच गए? हाँ, ऑन टाइम हम पहुँच गए। तो पहुँचते वक्त मतलब जब आप यहाँ पहुँचे तो आप हॉस्टल में आए हो, तो हॉस्टल में आपको कैसी फैसिलिटीज मिली है? मतलब जैसे कि यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के रूम के बारे में जो बताया गया था अभी, आपके अलग अलग रूम हैं, तो वो सब प्रोवाइड कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है? हाँ, हॉस्टल में जैसा प्रॉमिस किया गया था वैसा है। मतलब गर्ल्स का अलग है और यहाँ का मेस भी काफ़ी अच्छा है। मेस मतलब इंडियन फूड ही है और अच्छी फैसिलिटीज है। ओके, तो आप अपने गार्डियन के साथ में, अपने ब्रदर के साथ में आए हो आप यहाँ? तो गाइस, ये इनके ब्रदर हैं जो कि इनको छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ। तो आप बताइए कि आप यहाँ आए अपने सिस्टर के साथ में, तो आपको कैसा लगा हमारी फैसिलिटीज, हमारी सर्विसेज, आपको कैसी लगी आपको आने तक? आप तो यहाँ 10-15 दिन भी हो गए हैं। नहीं, सब कुछ अच्छा था यहाँ पे। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी भी बहुत अच्छी थी, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ तक कोई इशू नहीं हुआ माशाल्लाह। पेपर वगैरह के लिए कुछ परेशानी नहीं हुई, सब बाय पोस्ट बाय कॉल सब कुछ अटेंड हो रहा था प्रॉपरली, कुछ दिक्कत नहीं हुआ हमको। यहाँ तक कि जाना भी नहीं पड़ा कि दिल्ली ऑफिस आपको आना है, कुछ भी सब कुछ ऑन कॉल प्रोवाइड हो रहा था। यहाँ तक के आने में भी कोई इशू नहीं हुआ। जैसे कि काफ़ी सारे जो हैं गार्डियंस तो कंप्लेंट करते हैं आने के बाद भी, हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम हुई, तो आप तो साथ में ही आए हो, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई कंप्लेंट हो आपको कोई हो? नहीं, ऐसी कुछ कंप्लेंट तो नहीं है, बस ये कि थोड़ा बच्चों को टाइम लगता है एडजस्ट होने में। मैं भी आया था शुरू में, ऐसा लग रहा था कि नहीं ऐसा, बट आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, हॉस्टल्स मतलब एक इंडियंस वाली फीलिंग है, ऐसा नहीं कि अलग कंट्री में आप रह रहे हैं। कुछ परेशानी की दिक्कत लैंग्वेज की हालांकि सबसे बड़ा इशूज़ है यहाँ पे, बट वो सब भी कुछ फेस नहीं करना क्योंकि ये लोग बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। जो हमारे इंडियंस है जो ये कंपनी के काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे हैं, खाना पीना वगैरह भी सब अलहमदिल्ला अच्छा है। और जो कुछ थोड़ा बहुत कुछ है टॉयलेट वगैरह का इशू वगैरह, तो सब चीज़ डिफर हो रहा है। मतलब बाकायदा मीटिंग लिए गई हॉस्टल में बच्चों की, उनके बारे में पूछा गया कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, वाईफाई तक वगैरह लगवा के प्रोवाइड किया, और भी सब धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया जा रहा है सब चीज़। ऐसा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत रहता है, आप घर जैसा तो फीलिंग हो नहीं सकता आदमी को, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। स्टडी मीडियम कैसा? स्टडी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। मतलब जैसे कि अगर स्टाफ के तो काफी अच्छे मिले, हाँ, अभी तो स्टाफ कॉलेज चालू हो गए, जस्ट 2-3 दिन ही हुआ है, ज्यादा वो नहीं हुआ अभी। लैंग्वेज इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है? हाँ, इंग्लिश में होता है। मतलब जैसे आपको रशियन लैटिन जो भी सिखाया जाएगा आपको इंग्लिश के थ्रू सिखाया जाएगा। ओके ओके, तो आपके जो टीचर्स हैं वो कोऑपरेटिव है, सब आपको मतलब समझ आ रहा है जो कि आपको पढ़ाया जा रहा है? टीचर्स तो अब तक काफ़ी कोऑपरेटिव है, मतलब जो हमारे डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर कर देते हैं, और जो भी मतलब हमें एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं। ओके, तो आप मतलब क्या रिव्यूज देना चाहेंगे, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो आना चाहे, आपके मुंबई से आना चाहे, आपके एरिया से आना चाहे, तो आप उनको क्या रिव्यूज देना चाहोगे यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हमारे बारे में, कि भी वो यहाँ आए या ना आए तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रिव्यू तो मेरा ये रहेगा कि मतलब जैसे कि MBBS के लेकर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते तो वो उनका होप लूज़ हो जाता है, बट डोंट लूज़ होप, अदर ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर बाहर आने के, और कंपनी है और हॉस्टल है जो भी है, मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प की है यहाँ पर आने के बाद, और अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो यू कैन गो। ओके, और इसके अलावा कोई कंप्लेंट आपकी हो किसी भी चीज़ के बारे में? नहीं, कंप्लेंट्स वगैरह जो भी थी या फिर जो भी हमें वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब था कंप्लेंट्स था सब चीज़ एकदम हाथों हाथ नहीं मिली, बट धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो रहा है, सब इश्यूज क्लियर हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कॉपरेट नहीं कर रहा है लाके फेंक दिए, अदर्स ऐसा जो ब्लेम किया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब मतलब यहाँ पे आने के बाद यहाँ के लोग काफ़ी कॉपरेटिव है माशाल्लाह। ओके, तो मतलब जैसे कि काफ़ी सारे कंसल्टेंट हैं
तो वो करते हैं क्योंकि उनका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता यूनिवर्सिटी से, तो हम हैं, हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, हम यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं दिनापुर स्टेट मेडिकल अकेडमी के, तो वो मतलब उनके कंसल्टेंट होते हैं, वो यहाँ भेज देते हैं, बाद में सर्विसेज नहीं दे सकते, नहीं कॉल उठाते, अपना पैसा लेके मतलब चले जाते हैं। नहीं तो ऐसे तो कुछ इशू नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पहुँचने का, वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पहुँचने का कुछ तकलीफ नहीं, लक्का शुगर है सब चीज़ कॉपरेशन से, मतलब आपको कुछ चीज़ की तकलीफ नहीं, सिर्फ आपको जो चीज़ आपको ज़रूरत है आपको बोलना है, सब चीज़ यहाँ पे हेल्प के लिए अवेलेबल है सब चीज़ के लिए। थैंक यू। ओके थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एडमिशंस प्लीज कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली।